यूनियन बजट 2024 ने कैपिटल गेन टैक्स की दरों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं और इस बदलाव के कारण डिफरेंट एसेट क्लास में के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों ही प्रभावित होंगे। और आज हम चर्चा करेंगे कि इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में इस बदलाव के कारण शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किस तरह से प्रभावित होंगे। कैपिटल गेन टैक्स की व्यवस्था में इस सुधार के कारण इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और फाइनेंशियल प्लानिंग दोनों ही प्रभावित होंगे, जो ये सुनिश्चित करेंगे या हम कह सकते हैं विच इंश्योर से मोर बैलेंस्ड एंड फेयर अप्रोच टू टैक्स। अब हम चर्चा करेंगे उन बदलाव के कारण इक्विटी या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में क्या प्रभाव होगा, और इसकी चर्चा इसकी एनालिसिस एक एग्जांपल एक लाइव एग्जांपल के द्वारा करेंगे जिससे यह पूरी तरह से स्पष्ट हो सके। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस यूनियन बजट में कैपिटल गेन टैक्स के रेफरेंस में क्या चेंजेस हुए और फिर इस चेंजेस को ट्रांसलेट करेंगे हम एक लाइव एग्जांपल के साथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट आई चेंज इन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो सबसे पहला चेंज जो हुआ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बजट के पहले यानी 22/7/2024 तक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% ये टैक्स लगा करते थे, जबकि अब ये टैक्स बढ़ के 20% हो गया है। और यही बातें यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में करें तो बजट के पहले 10% टैक्स लगा करते थे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, जो कि 10% बढ़ के अभी ये 12% हो गए। इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में एक और बदलाव आया है, वो बदलाव है जो एग्जम्पशन लिमिट पहले थी वो 1,00,000 रुपए थी, अब ये एग्जम्पशन लिमिट बढ़ के 1,25,000 हो गई है। इसका मतलब यदि आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जाम्पल के तौर पर मान लें 1,50,000 रुपए थी, तो बजट के पूर्व इस यूनियन बजट 2024 के पूर्व 1,00,000 रुपए एग्जम्प्टेड थे और जो रिमेनिंग 50,000 रुपए बच रहे थे उस पर 10% टैक्स लगना था, जबकि आज के दिन में जो कि इफेक्टिव है ये यूनियन बजट 23 जुलाई 2024 जिस दिन बजट आया हुआ था, तो आज के दिन में 1,50,000 रुपए यदि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या म्यूचुअल फंड अर्निंग है उसमें 1,25,000 रुपए आपके एग्जम्प्टेड कैटेगरी में आएंगे, इसका मतलब रिमेनिंग 25,000 पर ही आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। अब इसकी चर्चा एक एग्जाम्पल लेके करते हैं तो आप हमें ये और स्पष्ट समझ में आ जाएगी और हम बता पाएंगे ये यूनियन बजट 2024 इन्वेस्टर्स के लिहाज से कैपिटल गेन टैक्स में घाटा हुआ या फायदा हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जिसके एब्रीविएशन दे दिया हमने एसटीसीजी और एलटीसीजी, और हमने एक एग्जाम्पल माना हुआ है कि म्यूचुअल फंड अर्निंग आपने जो रिडीम किया इक्विटी म्यूचुअल फंड वो 8,00,000 रुपए का किया हुआ था और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो था वो 4,00,000 रुपए था, इसका मतलब 4,00,000 रुपए आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुए, लॉन्ग टर्म मीन्स 4,00,000 रुपए आपके गेन हुए हैं। और इसका इम्पैक्ट देखेंगे कि यदि ये गेन यदि ये 4,00,000 रुपए सॉरी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था तो उसमें हमें इस बजट के कारण घाटा हुआ या फायदा हुआ, और यदि लॉन्ग टर्म गेन था तो उसमें इसका क्या प्रभाव होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में। पूर्व में ये 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स था और 4,00,000 रुपए का 15% 60,000 रुपए टैक्स देने पड़ते यदि हम इस 23 जुलाई 2024 पहले शॉर्ट टर्म गेन हमें मिलता तो। लेकिन बजट के बाद 23 जुलाई 2024 से ये 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बढ़ के 20% हो गया है, इसका मतलब आज के दिन में यदि 4,00,000 हमें म्यूचुअल फंड अर्निंग है हमें 4,00,000 पे 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा और वो अमाउंट होगा 80,000 रुपए। और इस हिसाब से हम देखते हैं कि इस बजट के कारण शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यदि आपको हुआ आपको 4,00,000 रुपए पर 20,000 रुपए का टैक्स अधिक देना पड़ेगा, पहले ये 60,000 रुपए दे रहे थे अब 80,000 रुपए दे। यही बातें यदि हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की करें हम देखते हैं कि बजट के पूर्व यानी 22 जुलाई 2024 तक बिकॉज 23 जुलाई 2024 से नए बजट का इफेक्टिव है तो 22 जुलाई तक ये रेट 10% था
हमने माना कि 4 लाख रुपए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और रेट 10% था, जिसमें से 1 लाख रुपए एग्जेम्प्टेड थे। इसका मतलब जो टैक्सेबल कैपिटल गेन होगा वो 3 लाख रुपए होंगे और 3 लाख रुपए का 10% ये 30% होगा। लेकिन अब इसका रेट बढ़ के 12.5% हो गया है और इसकी एग्जेम्पशन लिमिट 1,25,000 1 लाख से बढ़ के 1,25,000 हो गई है। इसका मतलब यदि 4 लाख रुपए आपको कैपिटल गेन हुए हैं तो 4 लाख रुपए में से 1,25,000 एग्जेम्प्टेड लिमिट होंगी और टैक्सेबल कैपिटल गेन जो होगा वो 2,75,000 होगा और 2,75,000 का 12.5% इट कम्स टू 34,375 रुपीज। और इस लिहाज से यदि हम देखें तो हम देखते हैं कि हमको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 4,375 रुपए नए यूनियन बजट 2024 के कारण अधिक हमको पे करने पड़ रहे हैं।